अध्यक्ष महोदय बहुत अहम मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय आज हक भंग चल रहा है, मैं इसके सपोर्ट में खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय ये देश इस देश में हजारों सालों से छोड़कर इस देश के अंदर हजारों सालों से गंगा जमुनी तहजीब चल रही है, छोड़कर लेकिन अध्यक्ष महोदय अर्णब गोस्वामी जैसे सरकार के तलवे चाटने वाले जो सरकार के सामने घुटने टेक कर कुत्ते की तरह से चंद सिक्कों पर बिकने वाले ऐसे जर्नलिस्ट लोग, मैं कहना चाहता हूँ हमारे विरोधी दल नेता फडणवीस साहब बैठे हैं, हमारे विरोधी दल नेता, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि अर्णब गोस्वामी जैसे ये जर्नलिस्टों ने अब इस देश के अंदर तबलीगी जमात के ऊपर जबरदस्ती तबलीगी जमात को कोरोना बढ़ाने वाला कहा और कई दिनों तक कई महीनों तक ये लोग तबलीगी जमात को कोरोना बढ़ाने वाले कह करके इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश किया और उसके बाद कोर्ट ने कह दिया कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। तबलीगी जमात ने ऐसा कोई काम नहीं किया। क्या आप इतने लोग बैठे हो आपको शर्म नहीं आती? आप बोलने को नहीं खड़े होते? तबलीगी जमात को जमात है जो इस देश के अंदर इंसानियत सिखाती है और ये कोर्ट ने कह दिया है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। मैं मांग करता हूं अर्णब गोस्वामी जैसे लोगों को उस कुर्सी से उठाकर फेंक दिया जाए और उसकी जगह जेल में होना चाहिए। उसकी हिम्मत क्या है कि हमारे मुख्यमंत्री को इस तरह से बात करता है जैसे कोई गुंडा मवाली बात करता हो। मैं हक भंग का सपोर्ट करने खड़ा हुआ हूं और निवेदन करता हूं कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। ये एक कंगना रनौत और इसने क्या कह दिया कि मैंने फिल्म लाइन में इस्लामिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। बेशरम कही कि इस्लामिक बात करती है, तू इस्लाम के बारे में बात कर रही हो? फिल्म लाइन से इस्लाम का क्या लेना देना है? अगर तुम कहती खान ब्रदर तो मैं कुछ नहीं बोलता, तुमने इस्लामिक वर्चस्व की बात किया है। मैं मांग करता हूं गृह मंत्री से ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की सरजमीन पर रहने का कोई हक नहीं है, कार्रवाई कीजिए उसके ऊपर। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में, हमारे महाराष्ट्र के बारे में ये गलत बातें करते हैं वो लोग जो रोजी रोटी यहां कमाते हैं। वो लोग इस तरह की बात करेंगे, हमारे जैसे लोग कभी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मांग करता हूं कि ये अर्णब गोस्वामी पर, कंगना रनौत पर और ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इशातुल इस्लाम केराना यूट्यूब।